उज्जैन का शासकीय चरक अस्पताल दिन ब दिन लापरवाही और अव्यवस्थाओं के नए आयाम गढ़ता जा रहा है। गुरुवार को शाजापुर जिले की प्रसूति कराने आई महिला की प्रसूति के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने ड्यूटी स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला बढ़ने पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जिला अस्पताल में महिला का पोस्टमार्टम कराया गया। दरअसल शाजापुर जिले के ग्राम करजू निपानिया के रहने वाली 23 वर्षीय महिला लक्ष्मीपति शांति लाल को परिजन 5 दिन पहले प्रसूति के लिए उज्जैन के चरक अस्पताल लेकर आए थे। गुरुवार को महिला ने सुबह 11 बजे एक बालक को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही प्रसूता महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स स्टाफ को महिला की तबीयत बिगड़ने की खबर दी। परिजनों के अनुसार ड्यूटी स्टाफ ने इलाज में लापरवाही की और बार बार कहने के बाद भी महिला को सही इलाज नहीं दिया। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने उनसे दुर्व्यवहार भी किया। अचानक महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के हस्तक्षेप के बाद परिजनों को समझाया गया और जिला अस्पताल में महिला का पोस्टमार्टम किया गया। गौरतलब है कि आए दिन शासकीय चरक अस्पताल में मरीजों के परिजनों द्वारा ड्यूटी स्टाफ या डॉक्टर्स पर इस तरह की लापरवाही के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं के सुधार के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जाती है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। घटनाक्रम में कौन है एक लक्ष्मीबाई पति शांति लाल सूर्यवंशी 24 साल निवासी करजू थाना मोहन वडोदिया जिला शाजापुर की रहने वाली है, जो बीती रात प्रथम प्रसव के लिए यहाँ भर्ती कराई गई थी। उसके प्रसव उपरांत उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने प्रॉपर लापरवाही करी है, इसमें देखरेख नहीं कर पाए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर से हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है। मृतिका के शव का डॉक्टर की टीम से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मृत्यु का सही कारण ज्ञात हो सकेगा। ठीक है, ये किस तरह की घटना? घटना ये हुई सर, ये औरतें उन सब ऊपर थी, हम नीचे बैठे थे, है ना, वहाँ नीचे गार्डन में बैठे थे। फ़ोन आया ऊपर से कि इसको घबरा ना रही, तो हम ऊपर गए, है ना। ऊपर जैसे ही गया, ये उनके पहले सिस्टर से जाके बात करके आ गई। सिस्टर से बात की, सिस्टर ने बोला आप चलो हम आ रहे हैं। सिस्टर नहीं आई बहुत देर तक, उसने बोला कि बाटल की वजह से मेरी जान जीव घबरा रहा, मतलब सिस्टर आई होगी आधे घंटे बाद। उससे उसके बाद में ज़्यादा सीरियस हो गई तो सिस्टर आई, फिर मैडम भी आई, सबको सब आए। उसके बाद हम भी पहुँच गए ऊपर, तो मैडम हमसे यूँ बोलती है आप हट जाओ यहाँ से, आप यहाँ से हट जाओ, हम सब देख लेंगे और पुलिस फोर्स बुलवाओ। ये बात मैडम ने बोला जी। पुलिस फोर्स बुलवाया। क्या नाम है मृतक का? नाम क्या है इनका? लक्ष्मी भाई। कितने दिन लिया ऑपरेशन करा, उसके बाद में आधे घंटे में ऑपरेशन करके बाहर कर दिया। उसके बाद आधे घंटे तक जो मर गई है, आधे घंटे तक चिल्ला चोट करती रही, उसको घबराने और दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था। इन लोगों ने ये गई मेरी सास, मेरी बड़ सास गई, तो इन्होंने बोला कि उनको दर्द हो रहा था, उन्होंने बोला है आप चलो हम आ रहे हैं थोड़ी देर से। आधा घंटे बाद आई सिस्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।